माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे तो कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ख्याल रखकर अगर माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो उनकी कृपा जरूर मिलती है। दरअसल ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य बताते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा करने के दौरान 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए लोगों को अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन करनी चाहिए और उन्हें खीर तथा मिश्री का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र का धारण करना चाहिए और शुक्रवार के दिन ही माता लक्ष्मी के श्री युक्त का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए शुक्रवार के दिन व्रत करें और एकादशी के रात्रि में महालक्ष्मी की पूजन विशेष मानी गई है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध की तस्मे बनाएं, पंचमी बार डाल करके तस्मे बनाएं और सायंकालीन मिश्री उसमें डाल करके भोग में तुलसी पत्र डाल करके कुमारी कन्याओं का भोग लगाएं तस्मे और मिश्री का। इससे महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, जस कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जिससे धन की वर्षा होती है। जय माता लक्ष्मी का घर आगमन कराने के लिए पूजा स्थल के चयन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए घर के स्थल को ईशान कोण में बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी की पूजा करने के दौरान भक्तों को चाहिए कि वह पूर्व की दिशा में मुख करके बैठें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इतना ही नहीं, घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी परिवार में सुख समृद्धि आती है और घर में धन की प्राप्ति होती है। तो इन उपायों को करके आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।